राजकीय रेलवे पुलिस के आईजी आईपीएस सत्येंद्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को जीआरपी पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ जीआरपी रचना मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आईजी जीआरपी एस के सिंह ने निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन के यार्ड, मनोरंजन कक्ष, भोजनालय, नागरिक पुलिस बैरक, पुलिस कर्मियों के आवास सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद मनोरंजन कक्ष में आयोजित बैठक में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने को लेकर समीक्षा भी की। निरीक्षण के दौरान आईजी एस के सिंह ने साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की और कहा कि साफ सफाई से ही बीमारियों से बचा जा सकता है और प्रांगण को, परिसर को सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके अलावा आईजी एस के सिंह ने जीआरपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रियों की सुगम यात्रा के निर्देश दिए और कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी विशेष अभियान चलाने जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जीआरपी को काफी समय मिल गया है जिससे कि योजनाबद्ध तरीके से अपराध पर प्रभावी लगाम लगा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी जीआरपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा, चटनी और पापड़ कब लगा।
और इधर कुछ दिखाई देख लेगा सभी चाय पिए लगा आगे मंदिर है ना छोटे छोटे काम है ये धनिया है ताज़ा है ये तो उसका लगा सब लगाओ ये हमारी हर की तरफ से जो निरीक्षण है ये रूटीन वार्षिक निरीक्षण के नाम पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। आईजी का निरीक्षण होता है तो उसमें अनुभाग में जो भी चीज़ें हैं तरतीब से हो रही कि नहीं हो रही हैं वो सब देखा जाता है। इसमें कोई कमी निकालने जैसी चीज़ नहीं होती बल्कि ये होता है कि रूटीन में आदमी जब अगर कोई चीज़ चेक न किया जाए टोका ना जाए तो वो अपने आप कमियाँ हो जाती हैं। जैसे भी मैं देख रहा हूँ कि छतों पर घास खड़ी है उस घास की वजह से इसमें छत में क्रैक पड़ रहा है, क्रैक की वजह से बरसात का मौसम है पानी अंदर जा रहा है, अब बरसते पानी में छत टपक रही है और महिलाएं उसमें रह रही हैं बच्चे उसमें रह रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है अगर छत की घास हट जाए तो वहाँ पर क्रैक नहीं पड़ेगा और जो क्रैक पड़े हुए हैं उनको चारकोल वगैरह से डाल के भर दिया जाए। तो ये छोटी छोटी कमियाँ आवासीय कमियाँ हैं, कुछ रजिस्टरों में कमियाँ हैं, कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो हमारे अपराध संबंधी हैं तो उनके संबंध में भी हम वार्ता करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि पूरा मकसद निरीक्षण का ये होता है कि अपने तजर्बे के आधार पे अपने कनिष्ठों को ये बताना कि इनको किस तरह से बेहतर तरीके से अच्छी वर्किंग करें, अच्छे ज़्यादा डिलीवरेंस उनका अच्छा हो, गुणवत्ता परख उनका काम हो, तो ये एक अच्छी तरीके से काम करने की शैली हो। रेलवे की जो सुगम यात्रा सुरक्षित यात्रा का उद्देश्य जो मोटो है वो कैसे पूरा हो इस आशय से यहाँ मैं है। सर यात्रियों की संख्या भी बड़ी, ट्रेनों की संख्या भी बड़ी है, यात्रियों की संख्या भी बड़ी है सब स्टेशन पर, उसको लेके जो सुरक्षा के दृष्टिकोण जो उपाय यात्री भी जाते हैं जहाँ तक कांवड़ का अभी तो ये जैसा कि आप लोग भी टीवी में देख रहे होंगे मुझे लगता है कि ये हो सकता है कांवड़ यात्रा स्थगित हो जाए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने रुख लिया है। तो अगर होती है तो फिर तदनुसार व्यवस्था की जाएगी। कोरोना की एक काल में यात्री कम रहे तो अपराध कम हुआ, तो अपराध कम हुआ तो उसकी वजह से हम लोगों को एक टाइम मिल गया और उस टाइम में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं। जैसे कि अभी हमने रेड हैंडेड क्रिमिनल्स की सूची बना ली है, हमारे टारगेट तय हो गए हैं। निस्संदेह कि हम इस तरह से बिल्कुल सदी हुई तरीके से जैसे सटीक निशानेबाजी करते हैं लक्ष्य तय है और हम सही निशाना लेकर के कार्रवाई करेंगे तो अचूक निशाना बैठेगा ही बैठेगा। तो एक टाइम मिल गया, ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा टाइम मिल गया और उसी वजह से हम लोगों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपनी कार्यप्रणाली तय की है। आई एम श्योर कि बहुत बड़ा अपराध पर नियंत्रण होगा आने वाले दिनों में।